बच्चों, आज हम क्लास फोर्थ की विज्ञान विषय में लेसन फाइव का अध्ययन करेंगे। आप सब बच्चे अपनी विज्ञान की किताब खोलकर तैयार हो गए होंगे। लेसन फाइव, पौधों का वितरण। कि देखो बच्चों, जैसे पूरे संसार में, पूरे विश्व में सब जगह पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो सब जगह जहाँ पर जिस तरह का वातावरण होता है वहाँ पर उसी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि मरुस्थलीय भाग होते हैं, तो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, पत्तियों के स्थान पर कांटे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी का अभाव होता है, जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बारिश भी वहाँ पर बहुत कम आती है। और जो ठंडे प्रदेश होते हैं तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, ऊपर से ऐसे तीखुने होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ठंडे प्रदेशों में 12 महीने बर्फ़ होती है, जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, तो उसके कारण वो बर्फ़ उनके ऊपर जमे नहीं, जिसके लिए वो वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो ऐसे ऊपर से इस तरह तीखुने होते हैं। तो आज हम पौधों का वितरण, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। पौधे पूरे विश्व में पाए जाते हैं, ये विभिन्न वातावरण में उगते और रहते हैं। कुछ पौधे भूमि पर उगते हैं तो कुछ जल में, कुछ पौधे ठंडे स्थानों पर उगते हैं तो कुछ गर्म मरुस्थलों में। इन क्षेत्रों को उनका प्राकृतिक निवास कहते हैं। इस समय पौधों की 380,000 जातियाँ ज्ञात है। तो देखो बच्चों, जो पौधे जिस स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे कुछ ठंडे प्रदेशों में, कुछ मरुस्थलों में और कुछ जल में रहते हैं, कुछ भूमि के ऊपर रहते हैं, तो ये जो उनका होता है वो होता है प्राकृतिक निवास, जहाँ वो पनपते हैं वो होता है प्राकृतिक निवास उनका। पौधों को दो प्रमुख जातियों में बांटा जा सकता है। देखो, जैसे पहला जलीय पौधे और भूमि पर उगने वाले पौधे। जलीय पौधे देखो होता है बच्चों की जो जल के अंदर पनपते हैं वो पौधे होते हैं जलीय पौधे, और जो भूमि के ऊपर पनपते हैं वो होते हैं भूमि पर उगने वाले पौधे। तो अब देखो, पहला जलीय पौधे, जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। 3 खरब वर्ष पहले पृथ्वी पर उगने वाले प्रारंभिक पौधे जलीय ही थे। कि 3 खरब वर्ष पहले जो पेड़ पौधे थे ना, वो जल में ही उगते थे, इससे पहले जमीन पर, भूमि पर नहीं उगते थे। जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो, ये जलीय पौधों को भी 3 भागों में बांटा है। पहला जैसे होता है जल निमग्न पौधे, ये जल में स्थिर रहने वाले पौधे हैं। इनकी पत्तियां रिबिन की भांति कम चौड़ी होती है। ये जल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। इनका मुख्य कार्य जल को स्वच्छ रखना है, इसी कारण इन्हें जलशाला एक्वेरियम में उगाया जाता है। हाइड्रिला, पॉन्डवीड एवं टैपग्रास इसी प्रकार के पौधे हैं। कि देखो बच्चों, जो जल निमग्न पौधे होते हैं वो जल में स्थिर रहते हैं, मतलब जल में एक ही जगह पर टिके रहते हैं। और जो इनकी पत्तियाँ होती है वो होती है रिबिन, आपने देखा होगा रिबिन की तरह कम चौड़ी होती है। और ये जल से ही, जो जल में जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दूसरा देखो, स्थिर तैरने वाले पौधे। इनकी गहरी जड़ें जल के नीचे मिट्टी में धंसी रहती है। इनका तना लंबा और खोखला होता है। इनकी पत्तियां जल की सतह के ऊपर तैरती हैं। पत्तियां छिद्र युक्त होती है जिनमें वायु भरी होती है। सांस लेने के लिए पत्तियों में पर्णरंध्र केवल उनकी ऊपरी सतह पर होते हैं। कमल और कुमुदिनी स्थिर तैरने वाले पौधे होते हैं। कि जो स्थिर तैरने वाले जो पौधे होते हैं, तो इनकी जो जड़ें होती है वो क्या होता है, जल में बहुत नीचे जो मिट्टी होती है उसमें धंसी रहती है, और वो पानी के ऊपर वहीं पर ऐसे तैरते रहते हैं। और जो इनकी पत्तियां होती है उनमें बारीक बारीक ऐसे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी रहती है। अब आता है मुक्त तैरने वाले पौधे। जो पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं उन्हें मुक्त तैरने वाले पौधे कहते हैं। कि जो ये
मुक्त तैरने वाले जो पौधे होते हैं वो जल की ऊपरी सतह पर तैरते हैं, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते, वो आगे पीछे ऐसे चलते रहते हैं। उनकी जड़ें जल के नीचे मिट्टी में नहीं धंसी रहती है। छोटे हल्के और छिद्र युक्त होने के कारण ये जल की सतह पर तैरते रहते हैं। वाटर हाइसिंथ, डकवीड और सिंगाड़ा मुक्त तैरने वाले पौधे हैं। ये देखो, ये डकवीड ये पौधा और ये वाटर हाइसिंथ और ये सिंगाड़ा, ये मुक्त तैरने वाले पौधे, ये जल की सतह पर ऊपर ऐसे तैरते रहते हैं, एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। इस पेज पे आ जाइए। तो ये तो थे जल में रहने वाले पौधे, जिसको तीन भागों में बांटा गया था कि जल निमग्न पौधे, स्थिर तैरने वाले पौधे और मुक्त तैरने वाले पौधे। अब आता है भूमि पर उगने वाले पौधे। इन पौधों को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे। समुद्र के किनारे दलदली भूमि पर मैंग्रोव प्रजाति के पौधे उगते हैं। चिकनी मिट्टी होने के कारण इनकी जड़ें श्वसन नहीं कर पाती है, अतः इनकी जड़ें भूमि से बाहर निकलकर श्वसन करती है। कि जो समुद्र के किनारे की जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, चिकनी, तो इसके कारण वहाँ जो पौधे होते हैं तो वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाते हैं। वो चिकनी मिट्टी होने के कारण उनको वो ऑक्सीजन ऐसे अंदर तक नहीं पहुँच पाती है, इसलिए वो इन पौधों की जो जड़ें होती है वो श्वसन क्रिया में भूमि से बाहर निकलकर ऐसे श्वसन क्रिया करती है। नारियल, ताड़, रबड़ एवं काली मिर्च आदि समुद्र के किनारे गर्म और नम स्थानों में उगते हैं। चाय के पौधे पर्वतीय ढालों पर उगाए जाते हैं। इनकी जड़ों में जल रुकने से सूख जाते हैं। कि जैसे चाय के पौधे जो होते हैं वो ढलानों में, पर्वतीय ढलाने होती है वहाँ पर उगाए जाते हैं, क्योंकि अगर चाय के पौधों की जड़ों में अगर ज़्यादा पानी रहता है तो वो क्या होता है, पौधा सूख जाता है। तो इसके कारण उनको जो ढलान वाला जो भाग होता है वहाँ पर चाय के पौधे उगाए जाते हैं। इसका पौधा एक झाड़ी के रूप में होता है। भारत में असम और दार्जिलिंग में चाय के पौधे उगाए जाते हैं। चाय की पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। अब आता है पर्वतीय पौधे, कि पर्वतीय भाग में कैसे पौधे होते हैं। पर्वतों के किनारे उगने वाले पौधे पर्वतीय पौधे कहलाते हैं। यहाँ सामान्यतः पाइन्स या कॉनिफार्स उगते हैं। इनकी पत्तियाँ नुकीली होती है। इनके फूलों के स्थान पर कॉर्न शंकु उगते हैं। ऐसी आकृति इन्हें ठंड से बचाती है। फर, पाइन, देवदार तथा स्प्रून इसी प्रकार के वृक्ष हैं। स्प्रूस का उपयोग क्रिसमस ट्री बनाने में किया जाता है। क्रिसमस डे पे आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री, जो ऐसे उनकी पत्तियां तीखी ऐसे नुकुली होती है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय भागों में। तीसरा है सामान्य भूमि पर उगने वाले पौधे। इनमें पीपल, शीशम, बरगद एवं आम आदि बड़े वृक्ष आते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा शाखाएं घनी होती है। धान, सरसों, सूरजमुखी एवं गेहूँ आदि सामान्य भूमि पर उगने वाले पौधे हैं। सामान्य भूमि यानी कि जो समतल जो भूमि होती है वो, तो वहाँ पर जो पौधे होते हैं जिसमें पीपल, शीशम, बरगद, आम ये वृक्ष आते हैं। अब चौथा है मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलों में जल की कमी रहती है, इसी कारण यहाँ की वनस्पतियों में पत्तियाँ नहीं पाई जाती है। पौधे में होने वाला वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। भोजन बनाने का काम इनका तना करता है। यह मांसल व हरा होता है। भोजन संग्रह कर यह मोटा हो जाता है। कि जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वहाँ क्या होता है बच्चों,
पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है उनमें पत्तियाँ नहीं होती, पत्तियों के स्थान पे क्या होता है, कांटे होते हैं, जिसके कारण वो जल का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। अब आता है कीट बक्षी पौधे, जो कीटों को खाने वाले जो पौधे होते हैं वो। कुछ पौधे कीटों को खाते हैं, ये कीटों को अपने जाल में फंसा कर उनको मार देते हैं। घट पर्णी तथा वीनस फ्लाई ट्रैप इसी प्रकार के पौधे हैं कि जो कीटों को खाते हैं, वो है कीट पक्षी पौधे। पन्ना पलटो सब बच्चे। यहाँ देखो 6 नंबर, परजीवी पौधे। परजीवी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर जो निर्भर रहते हैं। दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले पौधे परजीवी पौधे कहलाते हैं, कि जो पौधे दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। फफूंदी तथा कुकुरमुक्ता ऐसे ही पौधे हैं। परजीवी पौधों का रंग हरा नहीं होता है। जिन पौधों का रंग हरा नहीं होता है, वे स्वयं भोजन नहीं बना सकते हैं। इन्हें दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहना पड़ता है। कि देखो बच्चों, जो परजीवी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उनका रंग है जो हरा नहीं होता है, क्योंकि वो भोजन बनाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके मुख्य बिंदु देखो इस पाठ के जो हमने पढ़ा है। पौधे विभिन्न वातावरण में उगते हैं। जल में उगने वाले पौधे जलीय पौधे कहलाते हैं। भूमि पर उगने वाले पौधों को स्थलीय पौधे कहते हैं। जो पौधे हरे नहीं होते, वे परजीवी होते हैं। कीट भक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, कि कीटों को खाने वाले पौधे कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। तो ये आज हमारा लेसन यहाँ पे पूरा हो गया है। आप सब बच्चे वापस से इसकी रीडिंग लगाना।